कलर्स चैनल पर आने वाले लोकप्रिय शो बैरिस्टर बाबू के अनुरोध उस प्रविष्ट मिश्रा अपने शो का प्रमोशन करने लखनऊ पहुंचे। यहां पर प्रेस वार्ता में उन्होंने बैरिस्टर बाबू की कहानी में आने वाले क्या क्या मोड़ होंगे इसके बारे में बताया। साथ ही कलर्स चैनल पर आने वाले रणवीर सिंह के क्विज बेस्ड शो बिग पिक्चर के बारे में भी जानकारी दी। तो बैरिस्टर बाबू भी एक साल से चल रहा है एंड शो की शुरुआत हुई थी एक लड़की जो सती प्रथा की सती प्रथा से पीड़ित होने वाली थी उसे अनिरुद्ध रॉय चौधरी बचाता है और फिर उससे उसे बचाने के लिए उसे शादी करनी पड़ती है। कि बड़ी हो गई है बैरिस्टर बन के आ गई है और बैरिस्टर बनने के बाद कितनी सारी विषमताएँ उसके जीवन में आती हैं और अब हमारे शो में एक नया ट्विस्ट आ रहा है तो उससे उसकी लाइफ में क्या असर पड़ेगा उस फिलहाल उस पर कहानी रिकॉर्ड हो रही है। आपकी क्या भूमिका है? मैं उसमें बैरिस्टर बाबू अनिरुद्ध रॉय चौधरी हूँ और बॉन्दता अपनी पत्नी को बैरिस्टर बाबू बनाते हैं। मतलब पढ़ के बैरिस्टर बाबू बने। अच्छा तो ये बाबू कहने वाली सभ्यता तो हमारे देश में बहुत पहले से रही है कि मतलब जो भी सरकारी बाबू थे तो बैरिस्टर बाबू जैसे और शो कोलकाता में भेज रहे तो बंगाल में भी बाबू कहने वाली सभ्यता हमेशा से रही है। तो बैरिस्टर थे और पहले बैरिस्टर पढ़ाई लिखाई करते बहुत कम लोग थे तो बैरिस्टर कहीं एक ही कोई बाबू होता था तो बैरिस्टर बाबू जैसे नाकिया बाबू। डिफिकल्ट डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता कोई खास कैरेक्टर डिफिकल्ट होता है, बस ये होता है कि आपको कितना मज़ा आया। अगर आप कहती तो मुझे बहुत मज़ा आया ये कैरेक्टर प्ले करने में, आया मतलब आ रहा है ये कैरेक्टर प्ले करने में और मैं शो में दो कैरेक्टर्स प्ले कर रहा हूँ तो और ज़्यादा मज़ा आया। सो द बिग पिक्चर एक शो है जो इंडिया में फर्स्ट वन ऑफ इट्स काइंड शो है। रणवीर सिंह इसके होस्ट हैं तो रणवीर सिंह का नाम सुनकर आप समझ जाइए कि इस शो की एनर्जी क्या होगी, इस शो का ढंग और तरीका क्या होगा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये शो देखने के लिए। इस शो की खासियत ये है कि ये एक क्विज बेस्ड शो है। हिंदुस्तान में हमारे देश में क्विज बेस्ड शो बहुत सारे देखे हैं बट ये पहला ऐसा शो है जो तस्वीरों से सवाल पूछेगा एंड आई थिंक 12 तस्वीरों में ही आपकी 12 तस्वीरें आपकी तकदीर बना सकती हैं। तकदीर ऐसी होगी कि आप जो भी विनर होगा वो 5 करोड़ रुपये जीत सकते हैं। और जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी तस्वीर जो है कि विजुअल एक विजन बेस्ड पिक्चर्स की बेस्ड मेमोरी पे क्वेश्चन है और दूसरी चीज़ ये कि इसमें दो लाइफलाइंस हैं, एक परिवार घर वालों का, एक इंडिया वालों का लाइफलाइन जैसे होते हैं। तो जो इंडिया वाली लाइफलाइन है उसमें जो भी इंडिया वाला जो भी पार्टिसिपेंट जो भी घर से पार्टिसिपेट करने वाला वो अगर सही जवाब देगा उसे पूरी मुद्रा राशि में से 25% मिलेगी। तो अगर वो इंसान फॉर एग्जाम्पल 5 करोड़ जीत जाए तो जिसने उसकी मदद की है उसे 25% उसका मिल जाएगा विच इज़ अराउंड 1.25 CR। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और सबसे अच्छी बात है कि हमने हमेशा से बचपन से हमने हमेशा विजन से चीज़ों को जोड़ा है कि अरे हाँ देखे थे। जैसे मैं लखनऊ की बात करूँ तो मैं बचपन में आया था लखनऊ में तो मैं बड़ा इमामबाड़ा गया था और फिर ऊपर वहाँ पर मेरी छोटी बहन थी वो खो गई थी। तो आज जब मैं अभी कुछ समय पहले रूमी गेट और बड़ा इमामबाड़ा पर जाकर आया तो मुझे तुरंत वो चीज़ याद आ गई। तो कैसे हम विजन से कितनी सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे बचपन में अगर हम ए फॉर एप्पल तो एप्पल की मेमोरी आ जाती है, सिर्फ एप्पल शब्द नहीं, अगर मैं एप्पल कहूँ तो आप सबके दिमाग में एप्पल दिख रहा होगा आप सबको। तो वही दिखने से जो तस्वीर से तकदीर का सफर है वही द बिग पिक्चर शो का है एंड रणवीर सिंह है ही सो अमेजिंग होने वाला है। आपका भी कोई रोल है जैसे कोई गेस्ट जैसे होस्ट और रणवीर सिंह कर रहे हैं लेकिन उसमें आपका भी कोई तो परिवार कलर्स का ही है, परिवार के दो भाई अलग अलग बागडोर संभाले हैं, कभी ना कभी मिलेंगे तो मिलेंगे, बाकी परिवार तो वही है। आगे आपके आने आने कोई और फोन है? फिलहाल बैरिस्टर बाबू है एंड आई होप कि वही अच्छा लंबा खासा चले आए, अभी तो नए नए उसमें ट्विस्ट आ रहे हैं तो काफ़ी उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कलर्स चैनल का, हमारे प्रोडक्शन हाउस का, एवरीवन जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी और फिर वो अवसर मिलने के बाद जिन्होंने मुझे प्यार दिया तो काफ़ी कुछ चेंज तो खैर हुआ। चैनल देशपद न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।